दोस्तों नमस्कार। एनसीईआरटी की किताबों में बदलाव और बदलाव के नाम पर बवाल। भारत भर में कई सारी बातें, कई आवाजें उठ रही हैं। कितनी सच्चाई है, कितनी तर्कसंगत और कितनी युक्ति संगत ये है। खैर, एनसीईआरटी ने सिलेबस बदलाव के नाम पर, रेशनलाइज्ड सिलेबस के नाम पर अपने कंटेंट की लिस्ट अपनी वेबसाइट पर जारी कर दी थी। और इस लिस्ट को गौर से देखें तो एक टीचर, एक शिक्षक होने के नाते और स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जब मैं इस बात को समझने की कोशिश करता हूं तो मुझे कई सारी चीजें बहुत ही बेवजह की गई प्रैक्टिस और एक्सरसाइज लगती हैं। जी हाँ, अगर आप बात करें तो सिविल सर्विसेज में जब हम जाते हैं या कोई सिविल सर्विसेज की यूपीएससी, आरपीएससी और एसएससी जैसे एग्जाम्स की तैयारी करता है तो उस तैयारी के दौरान उसको एनवायरमेंटल साइंस, एनवायरमेंटल इशू और इकोलॉजी एक ऐसा टॉपिक है जो सबसे ज्यादा पढ़ना होता है। पूरी तरीके से एनवायरमेंटल इशू के चैप्टर को हटा दिया गया है। ये तर्कसंगत नहीं, ये पूरी तरीके से त्रुटिपूर्ण है। इसके अलावा आप देखेंगे भारी भरकम बदलाव किए गए हैं। आज मैं सबसे पहले आपसे ये बात करूंगा कि नीट के बच्चों के लिए ये बदलाव कितने युक्ति संगत हैं, कितने फैक्टफुल हैं, कितने प्रैक्टिकल हैं। नीट के बच्चे बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री इन तीनों को पढ़ते हैं और बायोलॉजी जिसमें एक बड़ा पोर्शन होता है, बायोलॉजी में कौन से बदलाव किए गए हैं उसके साथ साथ मैं आपसे फिजिक्स और केमिस्ट्री के कुछ बदलाव जो हैं उनकी भी बात करूंगा। तो इस एनसीईआरटी में ये इतने सारे चेंज किए जाने से फायदा किसको होने वाला है, क्या बच्चों के लिए ये फायदे वाली बात है, क्या नीट 2024 की कट ऑफ कम हो जाएगी, उनके लिए पढ़ना ज्यादा आसान हो जाएगा या चीजों को और कॉम्प्लिकेटेड बनाकर, पेपर्स को और डिफिकल्ट बनाकर इसको स्टैंडर्डाइज किया जाएगा। आइए सब बातों पे गौर करते हैं। ये एनसीईआरटी की वेबसाइट आपके सामने है और अब मैं आपको ला रहा हूं एनसीईआरटी रेशनलाइज्ड कंटेंट। और इस रेशनलाइज्ड कंटेंट की लिस्ट अगर आप देखें तो देखिए सबसे पहले हम 11th क्लास पे आते हैं, लिस्ट ऑफ रेशनलाइज्ड कंटेंट। ये जो 11th क्लास का कंटेंट है स्टूडेंट्स, पीडीएफ यहां ओपन होगा, आप खुद वेबसाइट पर जाकर ऐसा देख सकते हैं। ये पीडीएफ आपके सामने ओपन हो गया है। पेज नंबर 41 पे सबसे पहले मैं आता हूं। स्टूडेंट्स देखिए, एनसीईआरटी ने मेंशन किया इंग्लिश मीडियम, रेशनलाइजेशन ऑफ द कंटेंट इन द टेक्स्ट बुक्स। जिन टेक्स्ट बुक्स में कंटेंट को रेशनलाइज किया गया है उनकी सारी डिटेल यहां है, सारे सब्जेक्ट की टेक्स्ट बुक्स यहां मेंशन है। किया क्यों गया है? इन व्यू ऑफ द COVID-19 पैंडेमिक इट इज द इंपेरेटिव टू रिड्यूस कंटेंट लोड ऑन द स्टूडेंट्स। जैसा 2019 में पेंडेमिक के बाद COVID-19 जो आया था, 2020 और 21 में जो पेंडेमिक कोविड था उसके बाद जो सिलेबस कम किया गया था, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो थी उनका भी एक एम्फेसिस था कि बच्चों पे लोड कम किया जाए। तो इस लोड को कम करने के लिए क्या क्या चेंजेस किए गए, इन चेंजेस की बात कर लेते हैं। अब देखो यहां कंटेंट्स ऑफ द टेक्स्ट बुक हैव बीन रेशनलाइज्ड इन व्यू ऑफ द फॉलोइंग। क्या कारण थे, क्यों किया गया है? Overlapping with similar content included in other subject area in the same class. किसी एक ही क्लास में किसी दूसरे सब्जेक्ट में कुछ टॉपिक्स हैं और यहां भी हैं। जैसे बायोमोलिक्यूल की बात करें, केमिस्ट्री में आपको पढ़ाया जाता है, बायोलॉजी में आपको पढ़ाया जाता है। तो कई जगह जहां वास्तव में रेशनलाइज किया जाना था वहां नहीं करके इसको पूरी तरीके से हटा दिया गया है। कई चीजों को यहां बदलाव किया गया, एक एक बात पॉइंट टू पॉइंट में करूंगा। साथ में लिखा है डिफिकल्टी लेवल जो है उसको कम किया गया है। Content which is easily accessible to students without much interventions from the teachers and can be learned by children through self-learning or peer learning. बहुत सारी चीजें एनसीईआरटी में ऐसी mentioned थी जो टीचर से बच्चा खुद सीख सकता है या खुद अपनी प्रैक्टिस के थ्रू कर सकता है। Content which is irrelevant in the present context, वर्तमान संदर्भ में जो irrelevant है। अब इन चेंज करने वालों को environmental issue अपने आप में irrelevant लगा, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स इररेलेवेंट लगा, मिनरल न्यूट्रिशन इररेलेवेंट लगा, डाइजेशन का जो चैप्टर है जियोलॉजी का वो इररेलेवेंट लगा, बहुत सारी चीजें इररेलेवेंट लगी। तो पता नहीं, मुझे समझ नहीं आता कि रेलिवेंसी किसको कहते हैं। खैर देखते हैं सबसे पहले, अब पेज नंबर 42 पे 11th क्लास के सिलेबस के बारे में दिया है। देखिए 42 पे मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स के बजाय हम यहां आगे बात करेंगे तो सीधा हमें उसी पेज नंबर पे ला दिया जाए जिसमें 11th क्लास के बायोलॉजी के टॉपिक सबसे पहले दे रखे हैं। तो देखिए बायोलॉजी में क्या क्या बदलाव किए गए आपके सामने। बायोलॉजी 11th क्लास मैंने यहां ओपन किया, चैप्टर फर्स्ट द लिविंग वर्ल्ड। आप जानते हैं लिविंग वर्ल्ड का जो चैप्टर था काफी बेसिक चीजों के साथ फ्रेम किया गया था। इसमें पेज नंबर यहां मेंशन किए गए, साथ में लिखा ड्रॉप्ड टॉपिक्स कंटेंट और चैप्टर। कौन सा टॉपिक, कंटेंट और चैप्टर ड्रॉप किया गया है? व्हाट इज लिविंग, जिंदगी क्या है, लिविंग क्या है, जीवित क्या है, अब आपको नहीं पढ़ना होगा। टैक्सोनॉमिक गेट्स आपको नहीं पढ़ने होंगे, बॉटनिकल गार्डन्स नहीं पढ़ने हैं, म्यूजियम नहीं पढ़ना है, जियोलॉजिकल पार्क्स नहीं पढ़ने हैं। और इस चैप्टर के समरी में पैराग्राफ सेकंड हटा दिया गया है और एक्सरसाइज में से क्वेश्चन नंबर 10 हटा दिया गया है। इसी तरीके से प्लांट किंगडम अगर आप देखेंगे तो प्लांट किंगडम में एंजियोस्पर्म्स को हटा दिया गया है जो सबसे लास्ट में दिया गया था। प्लांट लाइफ साइकिल्स एंड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हटा दिया गया है।
हम हैप्लोन्टिक डिप्लोन्टिक हैप्लो डिप्लोन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल्स पढ़ते थे, हटा दिया गया है। बहुत लॉजिकल और कंसेप्चुअल टॉपिक हुआ करता था जो स्टूडेंट में एक तरीके से पूरे किंगडम की, प्लांट किंगडम की अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करता था। यहां से कुछ क्वेश्चंस भी हटाए गए हैं। आप मॉर्फोलॉजी अब पढ़ेंगे विदाउट द मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स, विदाउट मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, विदाउट मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स। रूट स्टेम और लीव्स के मॉडिफिकेशन आपको नहीं पढ़ने हैं, मैं जहां तक समझ पा रहा हूं, सिर्फ स्ट्रक्चर देखनी है। इसका मतलब ये स्टैंडर्डाइज्ड किया जाना नहीं कहा जा सकता, स्टैंडर्ड को बिलो किया गया है। आप देखेंगे फैबेसी और लिलियसी दो फैमिली यहां से हटा दी गई हैं। इसका मतलब सोलेनेसी को मेंशन किया गया है, अभी भी सोलेनेसी रखी गई है। उनको लगता है एनसीईआरटी बनाने वालों को फैबेसी और लिलियसी इररिलेवेंट है। एक अकेली मोनोकॉट फैमिली आपको दे रखी थी, हटा दी गई है। ये क्वेश्चन हटाए गए हैं 1, 2, 6, 6B, 8, 9, 12 और 14। अब आप आगे देखेंगे ना एनाटॉमी में, तो आपका दिमाग चकरा जाएगा, और विशेष तौर पर पढ़ने पढ़ाने वालों का। एनाटॉमी में देखिए टिश्यू हटाया गया, मेरिस्टमेटिक टिश्यू हटाया गया, सिंपल टिश्यू हटाया गया। अब सिंपल टिश्यू में पैराग्राफ सेकंड एंड थर्ड हटा दिया गया है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू में पैराग्राफ फोर हटा दिया गया है, जाइलम फ्लोएम जो थे। सेकेंडरी ग्रोथ, देखो सेकेंडरी ग्रोथ ही एग्जैक्टली टॉपिक था एनाटॉमी में पढ़ने वाला। सेकेंडरी ग्रोथ, वेस्कुलर कैम्बियम, एक्टिविटी ऑफ द कैम्बियल रिंग, स्प्रिंग वुड एंड द ऑटम वुड, हार्ट वुड एंड द सैप वुड, कोर कैम्बियम, सेकेंडरी ग्रोथ इन रूट्स। तो पूरी तरीके से सेकेंडरी ग्रोथ को ही खत्म कर दिया गया है, जबकि सेकेंडरी ग्रोथ ही पढ़ने वाला टॉपिक था। बच्चे को पता लगता था कि प्लांट्स में होता क्या है, चेंजेस क्या क्या होते हैं। खैर, बहुत सारे बच्चे इस बात को लेकर खुश हो रहे होंगे। आगे देखिए बच्चों, क्वेश्चन हटाए गए इसमें से 1, 2, 3, 7 और 11। फिर देखिए स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, एनिमल्स की बात करें, एनिमल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मसल टिश्यू, न्यूरल टिश्यू, अर्थफॉर्म हटा दिया गया है पूरी तरीके से। मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी किसकी, ये अर्थवर्म की बात की जाए, अर्थवर्म की मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी, कॉकरोच की मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी, और ये समरी में से ये पैराग्राफ हटाए जाने के साथ साथ ये क्वेश्चन हटाए गए हैं। तो ये जियोलॉजी का पोर्शन जो था उसमें से हटाया गया। आगे आप देखिए, आपके पास चैप्टर है अगला बायोमोलिक्यूल। तो बायोमोलिक्यूल में देखिए नेचर, नेचर ऑफ बॉन्ड लिंकिंग, मोनोमर ऑफ ए पॉलीमर, डायनेमिक स्टेट ऑफ द बॉडी कॉन्स्टेंट, कॉन्सेप्ट ऑफ द मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिक बेसिस फॉर द लिविंग, ये सब हटा दिया गया है, द लिविंग स्टेट हटा दिया है, और ये क्वेश्चंस हटा दिए गए। ये चैप्टर नंबर बच्चों 9 था, क्लियर है। अब इसके बाद अगर आप देखें, बड़ा धमाका प्लांट फिजियोलॉजी के साथ हुआ है। प्लांट फिजियोलॉजी में 5 चैप्टर्स थे, और इन 5 चैप्टर्स में से अगर आप देखें प्लांट फिजियोलॉजी में फाइव चैप्टर्स थे, उनमें से 2 चैप्टर तो पूरी तरीके से उड़ा दिए गए, 2 चैप्टर को पूरी तरीके से उड़ा दिया गया। नीचे लाएं आप, ये केमिस्ट्री है स्टूडेंट्स। प्लांट फिजियोलॉजी के साथ बड़ा धमाका किया गया है। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स 175 से 193 पूरा चैप्टर हटा दिया गया है पूरी तरीके से, जिसमें अपने आप में बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट उस चैप्टर में हुआ करता था, लेंथी भी था। मिनरल न्यूट्रिशन फुल चैप्टर रिड्यूस कर दिया गया, हटा दिया गया है। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में से फोटोपीरियडिज्म हटा दिया गया है, वर्नलाइजेशन, सीड डॉर्मेंसी और कुछ क्वेश्चन नंबर जो है वो हटा दिए गए हैं। फिर देखिए फिजियोलॉजी, एनिमल फिजियोलॉजी के साथ अगला बवाल, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन हटा दिया गया है, डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन। अब आपको ये समझने की जरूरत नहीं है कि कैसे डाइजेस्ट होता है और कैसे एब्जॉर्ब होता है। उसके बाद आप देखेंगे इसमें रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स सेंसरी रिसेप्शन प्रोसेसिंग हटा दी गई। न्यूरल कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में से काफी सारा मैटर हटाया गया है। न्यूरल कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन ये अपने आप में एक डिफिकल्ट चैप्टर बच्चों के लिए होता है। आई, आंख के पार्ट हटा दिए गए हैं, मैकेनिज्म और विजन हटा दिया गया है। मतलब इनका मानना ये है कि पहले से आप ये पढ़ के आते हैं। ईयर, मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग हटा दिया गया है। समरी में से थर्ड और फोर्थ पैराग्राफ हटाए गए हैं, और क्वेश्चंस जो एक्सरसाइज में से हैं वो काफी सारे हटाए गए हैं। ये न्यूरल कंट्रोल था। उसके बाद ये कुछ आंसर्स जो है वो फ्रेम किए गए थे, ये बच्चों यहां हटाए गए हैं। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट, आप इस पे आइए केमिस्ट्री पे। तो केमिस्ट्री में अगर आप देखेंगे तो केमिस्ट्री में सिर्फ एक चैप्टर, यूनिट 5 का स्टेट ऑफ मैटर गैसेज एंड लिक्विड 1359, ये पूरा चैप्टर ड्रॉप कर दिया गया है। स्टेट ऑफ द मैटर बच्चों केमिस्ट्री से ड्रॉप कर दिया गया है। उसके बाद आप देखेंगे तो केमिस्ट्री का जो पार्ट सेकंड है उसमें से देखिए हाइड्रोजन पूरा चैप्टर उड़ा दिया गया है। एस ब्लॉक एलिमेंट आपकी तकलीफ खत्म कर दी गई है। सम पी ब्लॉक एलिमेंट्स पूरा चैप्टर हटा दिया गया है, और एनवायरमेंटल केमिस्ट्री हटा दी गई है। इधर से एनवायरमेंटल केमिस्ट्री हटा दी गई है, उधर 12th की एनसीईआरटी से एनवायरमेंटल इशू हटा दिया गया। तो क्या ये एनवायरमेंट को बदले जाने की कोशिश है? हो सकता है। आगे देखते हैं फिजिक्स में, देखिए काफी बड़े बदलाव फिजिक्स में भी हैं। फिजिक्स में आपको देखने को मिलेगा जो फिजिकल वर्ल्ड है उसमें फिजिक्स क्या है, स्कोप, एक्साइटमेंट ऑफ द फिजिक्स, ये टेक्नोलॉजी, ये सब हटाया गया है। नेक्स्ट फिजिक्स में देखते हैं पेज नंबर 48 पे आप देखेंगे
तो आप देखेंगे यूनिट एंड मेजरमेंट का जो चैप्टर है उसमें इतनी सारी चीजें लेंथ, मास, टाइम, ये सब हटा दिए गए हैं, मोशन अगला है, यूनिट ऑफ द मेजरमेंट, इस मेजरमेंट में से ये हटा दिए गए हैं। नेक्स्ट चैप्टर थर्ड, मोशन इन द स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में से भी बच्चों पोजिशन, पाथ, लेंथ, डिस्प्लेसमेंट, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड सब हटा दिया गया है। मोशन इन प्लेन हटा दिया गया है जिसमें से ये चीजें हटाई हैं, लॉज ऑफ मोशन में से ये एक्सरसाइज हटाई है। इसके अलावा वर्क एनर्जी एंड पावर में से वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हटा दिया गया है, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी शायद आप पहले पढ़ के आते हैं इसलिए हटाया गया है। इसके अलावा देखा जाए तो चैप्टर 7 में आप देखिए सिस्टम ऑफ द पार्टिकल एंड द रेशनलाइज मोशन, ये हटा दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर ग्रेविटेशन 8 में से ये जियो स्टेशनरी एंड द पोलर सैटेलाइट हटाया गया है। बहुत सारी चीजें मतलब आप अगर देखेंगे तो हटा दी गई हैं। आगे इस पे आते हैं, ये फिजिक्स का पार्ट 2 है आपका, जिसमें देखिए मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स ये हटाया गया है इसमें से, इलास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड, डिटरमिनेशन ऑफ द यंग मॉड्यूलस, मटेरियल ऑफ द वायर। इसके बाद देखिए चैप्टर 10 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, और उसके बाद आप देखिए थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर जो है उसमें ग्रीन हाउस इफेक्ट हटा दिया गया है। मैं फिर कह रहा हूं इधर से ग्रीन हाउस इफेक्ट हटाया गया, उधर से पूरा चैप्टर ही हटा दिया गया। उसके बाद अगर आप देखें थर्मोडायनेमिक्स है, काइनेटिक थ्योरी है, ये इनमें से ये कंटेंट हटाया गया है। चैप्टर 14 जो ऑसिलेशंस हैं वो हटा दिए, उसमें से ये हटाया गया है, और वेव्स में से ये मैटर आप देखिए डॉपलर इफेक्ट, डॉपलर प्रभाव हटा दिया गया है। डॉपलर इफेक्ट आपको परेशान करता था, कंप्यूटर साइंस में कोई चेंज नहीं किया गया है, ये स्कूल एजुकेशन के बच्चों के लिए भी अपने आप में एक सवाल है। तो ये था 11th एनसीईआरटी में से जो कंटेंट चेंज किया गया। अब हम बच्चों आते हैं 12th की एनसीईआरटी पे। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो 12th की एनसीईआरटी के बदलाव देखिए, ये आपके सामने बायोलॉजी मैंने ओपन किया है, चैप्टर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म पूरी तरीके से हटा दिया गया है। फुल चैप्टर 3-18 जो 15 पेज का चैप्टर था एक, वो पूरी तरीके से डिलीट कर दिया गया, इसको हटाया जाना समझ आता है क्योंकि आगे सारी बातें समझाई जा रही हैं। उसके बाद में स्ट्रेटजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, ये जो स्ट्रेटजीज एनहांसमेंट था ना ये बड़ा आपको परेशान करता था, जिसमें ग्रीन रिवॉल्यूशन के साथ साथ प्लांट ब्रीडिंग और ये जितनी सारी चीजें थी थ्योरेटिकल पोर्शन था, पूरी तरीके से ये भी हटा दिया गया है। अब देखिए ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, इकोलॉजी में जो रिडक्शन किया गया आपको जानकर बड़ा ताज्जुब होगा, ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरमेंट सबसे पहले एक जो पैराग्राफ बायोम के साथ दे रखा था वो हटाया गया, मेजर एबायोटिक फैक्टर हटा दिए गए, आपको टेम्परेचर, लाइट, वाटर, सॉइल ये पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। इसके अलावा रेस्पॉन्स टू एबायोटिक फैक्टर्स, इसमें इतना अच्छा कॉन्सेप्ट हम पढ़ते थे जिसमें आप सस्पेंशन पढ़ते थे, माइग्रेशन पढ़ते थे, रेगुलेशन पढ़ते थे, सब हटा दिया गया है। एडेप्टेशन हटा दिए गए हैं। समरी में से पैराग्राफ 2 हटाया गया है और क्वेश्चन एक्सरसाइज में से 1, 2, 3, 9, 10 एंड 11, 12 ये सब चैप्टर 13 जो इकोलॉजी का था उसमें से हटा दिए गए हैं। अगला जो चैप्टर 14 है जो इकोसिस्टम वाला चैप्टर है बच्चों, उसमें देखिए इकोलॉजिकल सक्सेशन और प्लांट सक्सेशन ये पूरी तरीके से हटा दिया गया है। जो आप जीरार्च पढ़ते थे, आप लिथोस्फीयर में लिथोस्फीयर आप पढ़ते थे और इसके अलावा दूसरा आप पढ़ते थे वहां हाइड्रोस्फीयर, वो दोनों यहां से हटा दिए गए हैं। न्यूट्रिएंट साइकिलिंग हटाई गई है जिसमें फास्फोरस और कार्बन साइकिल आप पढ़ते थे, कार्बन साइकिल फास्फोरस साइकिल दोनों हटा दी गई हैं और इकोसिस्टम सर्विसेज हटा दिया गया है, जो एक सेंस आप में डेवलप करता था कि ये नेचर हमारे लिए क्या कर रही है, हटा दिया गया है। चैप्टर 16 एनवायरमेंटल इशू, फुल चैप्टर डिलीट कर दिया गया है, पूरी तरीके से इसको हटा दिया गया है। तो ध्यान रखें 12th की एनसीईआरटी में जो बदलाव किए गए हैं उनमें से बदलाव बॉटनी का जो पोर्शन है या एक तरीके से कॉमन पोर्शन रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में किया गया, इसके अलावा इकोलॉजी में किया गया है। अब केमिस्ट्री पार्ट फर्स्ट देखें तो केमिस्ट्री में सॉलिड स्टेट पूरा चैप्टर उड़ा दिया गया है, सरफेस केमिस्ट्री फुल चैप्टर उड़ा दिया गया है, जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स फुल चैप्टर उड़ा दिया गया है, पी ब्लॉक एलिमेंट पूरा चैप्टर उड़ा दिया गया है। तो ये सारे चैप्टर यहां से खत्म कर दिए गए हैं। केमिस्ट्री पार्ट 2 में अगर आप देखें तो पॉलीमर्स खत्म, अब आपको पॉलीमर नहीं पढ़ना होगा। उसके बाद देखिए केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ भी पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया है, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, एवरीडे इन लाइफ केमिस्ट्री सब हटा दिया गया। फिजिक्स में आप देखिए, फिजिक्स में काफी सारे चेंजेज हैं पूरे चैप्टर के बजाय, इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स जो है उसमें इलेक्ट्रिक चार्जेज हटा दिए गए हैं, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स जो है डिलीट, ओनली द कंसेप्ट ऑफ अर्थिंग, अर्थिंग का कंसेप्ट यहां से हटाया गया है। एक्सरसाइज में से कुछ क्वेश्चन हटाए गए हैं। चैप्टर 2 आप देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेटेंस, इसमें से कुछ हटाया गया है, एनर्जी स्टोर सिस्टम वगैरह। उसके बाद में यहां देखिए ये सारा कॉम्बिनेशन ऑफ द रेसिस्टर ये हटा दिया गया है, करंट इलेक्ट्रिसिटी हटा दिए गए हैं, मीटर ब्रिज वगैरह, पोटेंशियोमीटर वगैरह सब हटाए गए हैं।
इसके बाद अगला आप देखेंगे तो मूविंग चार्जेज एंड मैग्नेटिज्म जो है, इसमें वेलोसिटी सेक्टर, साइक्लोटॉन, टॉरॉयड, ये सब हटा दिए गए हैं। मैग्नेटिज्म मैटर चैप्टर 5 में से इतना सारा हटाया गया है, एक एक बात आप देख लें, वेबसाइट पे प्रॉपर आपको ये सब चीजें मिलेंगी। इसके बाद अगर हम चलें तो नेक्स्ट चैप्टर 6 पे आप देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में एनर्जी कंसिडरेशन हटा दिया गया है, क्वांटिटेटिव स्टडी और ईडी करंट, ये सब हटाए गए हैं। इसके अलावा आप देखेंगे यहां मैग्नेटिज्म में से कुछ चैप्टर हटाए, कुछ कंटेंट हटाया है, अल्टरनेटिंग करंट में से एनालिटिकल सॉल्यूशन सीरीज एलसीआर वगैरह सब हटाए हैं, एलसी ऑसिलेशन हटा दिया गया है। चैप्टर 8 में से आप देखेंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो हटाए गए हैं। इसके बाद आप देखें फिजिक्स पार्ट 2, तो यहां जो ड्रॉप किए गए टॉपिक हैं वो है रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में से ये कुछ टॉपिक्स हटाए गए हैं। मतलब फिजिक्स में से मैटर काफी रिड्यूस किया गया है, कम किया गया है, लेकिन पूरा चैप्टर डिलीट यहां नहीं हुआ है। इसके बाद आगे आप देखेंगे तो ये डॉपलर इफेक्ट वगैरह जो है वो सब हटा दिए गए हैं। इसके बाद आप देखिए यहां से नेक्स्ट इसमें मेंशन करेंगे तो ड्यूअल नेचर वेव ऑप्टिक्स ये सब हटाए गए हैं, ड्यूअल नेचर रेडिएशन हटाया गया है बच्चों, इसमें से ये सब पॉइंट्स सब टॉपिक्स हटा दिए गए हैं। चैप्टर 12 एटम्स, जिसमें आपको स्पेक्ट्रल सीरीज और ये बोर मॉडल वगैरह सब अब नहीं पढ़ने हैं, लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी नहीं पढ़ने हैं। चैप्टर 13 न्यूक्लियाई, इसमें से भी ये सब नहीं पढ़ने हैं। सेमी कंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स, बड़ा सिरदर्द बच्चों को होता है, स्पेशल पर्पज ऑफ द पी एंड एन जंक्शन डायोड जो है ये हटा दिए गए हैं। इस प्रकार से ये चेंजेस किए गए हैं। फाइनली मैं अपनी बात पे आता हूँ, 11th और 12th के इतने सारे टॉपिक्स हटा दिए जाने के बाद क्या एनसीईआरटी अब रिलेवेंट हो गई है? सवाल अभी भी ये बना हुआ है। सबसे बड़ा सवाल यह है क्या नीट 2024 का एग्जाम इसी एनसीईआरटी के सिलेबस के हिसाब से होगा? तो मैं आपको याद दिला दूं, एनटीए आज जो एग्जाम करवा रहा है उसमें जो सिलेबस एनटीए रिलीज करता है वो सिलेबस एनसीईआरटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग तो है, मतलब पूरी तरीके से उसको फॉलो नहीं करता है। बहुत सारी चीजें आपको एनटीए के सिलेबस में कुछ ऐसी मेंशनड मिलेंगी जो एनसीईआरटी में मेंशनड नहीं है। तो ये सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर एग्जाम होता है तो मुझे लगता है फाइट बढ़ेगा, नीट 2024 के एग्जाम में भी कंपटीशन बढ़ने की संभावना ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि चीजें अगर हल्की होती हैं तो पार्टिसिपेंट्स ज्यादा उसमें इन्वॉल्व होते हैं। इसके अलावा दूसरी मैं काम की बात आपको ये बताना चाह रहा हूं, क्या यही सिलेबस एग्जाम में आएगा? तो ये डिसाइड करेगी जो भी गवर्निंग बॉडी होगी, नीट 2024 का एग्जाम जो भी गवर्निंग बॉडी करवाएगी वो, और इसके लिए ड्राफ्ट आ चुका है कि जो एनएमसी है वो 2024 का एग्जाम करवाए, और एनएमसी ने अगर 2024 का एग्जाम करवाया तो मुझे लगता है फिर थोड़ा स्टैंडर्डाइज्ड होंगी चीजें, और इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर होती हैं तो आपके लिए लोड भले ही कम हो गया है लेकिन कॉम्पिटिशन अभी भी बना हुआ है। एंजॉय योर लाइफ, बी सेफ, थैंक यू। मैं एम एम बलोदिया अभिव्यक्ति के माध्यम से आपसे मुखातिब हो रहा था। एनसीईआरटी, नीट, आईआईटी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और डिफरेंट टाइप ऑफ एजुकेशनल डायमेंशंस के साथ साथ सोशल इश्यूज, जो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशंस हैं उनके लिए इस चैनल से आप जुड़े रहिए, अपना प्यार और मोहब्बत यूं ही लुटाते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।